हेलो फ्रेंड्स, यार आप लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस टाइम बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि हम लोग ऐसा क्या करें अपने इन लास्ट के 2 मंथ्स में कि जो हमारा स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हम लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाए, हम लोग 90+ मार्क्स ले आए। तो भाई आज मैं आप लोग को दूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप लोग का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। सो माय नेम इज हर्ष एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12th बोर्ड 2020 इन 2 मंथ्स स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। भाई क्या है स्ट्रेटेजी जिसको आप लोग फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हो? एक चीज याद रखना, हम लोगों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और बिजनेस स्टडीज में भी केस स्टडीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो भाई सबसे पहले आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस 10 to 20 क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स। भाई 10 से 20 क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स की डेली प्रैक्टिस करा करो। इससे क्या होगा, आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे क्वेश्चंस के साथ। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा, रिटायरमेंट का होगा, डिसोल्यूशन का होगा, कंपनी के क्वेश्चंस हो गए, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करा ही करा करो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। दूसरा भाई क्या करना है आप लोगों को, कम से कम 5 केस स्टडीज तो डेली सॉल्व करनी ही करनी है। बिजनेस स्टडीज के अंदर 5 केस स्टडीज तो कम से कम सॉल्व करो और देखो किस किस टाइप की केस स्टडीज एग्जाम में आती हैं। तीसरा भाई आप लोगों को पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर जाना आप लोग सैंपल पेपर्स पर या अदर बुक्स पर। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फोर्थ क्या है भाई, सीबीएसई सैंपल पेपर्स। हमें पता है सीबीएसई सैंपल पेपर हर साल रिलीज करती है और हमें इसको सॉल्व करना होता है। भाई सीबीएसई सैंपल पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 घंटे का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और देखो आप लोगों की गलतियां कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट भाई फॉलो एलएनडब्ल्यू स्ट्रेटेजी। एलएनडब्ल्यू स्ट्रेटेजी क्या है, लर्न एंड राइट। जितना याद कर रहे हो ना उतना लिखो भाई, जितना याद करो उतना लिखो। इससे ये रहेगा कि चीजें आपके माइंड में काफी टाइम तक बनी रहेंगी और आप लोगों को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सबके लिए बनाए थे लास्ट ईयर, और इस साल मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज के मिलेंगे, अकाउंटेंसी के मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, सबके मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ आ गई। आपको क्या करना है, 10 से 20 क्वेश्चन करने डेली अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज 5 तो प्रैक्टिस कराई करो डेली के। कंप्लीट करना है सिलेबस को पहले, उसके बाद सीबीएसई सैंपल पेपर पे आना और एलएनडब्ल्यू स्ट्रेटजी को मत भूलना। जितना याद किया है उतना लिख लो और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। ये कोई इतना खतरनाक एग्जाम नहीं होता, सीबीएसई का पेपर आसान ही आता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप लोग नॉर्मल एफर्ट्स भी डालोगे तब भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर फिर भी आप लोग कोई डाउट आता है, ये कोई क्वायरी है या कोई क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।